उससे जल्दी जा जाते हैं, उससे जल्दी जा जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू अनु जी, आप सबका बहुत धन्यवाद। सर आप हमारे आज के बहुत ही खास मेहमान हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि प्लीज आप स्टेज पर आए और हमारे आज के खास मेहमान को सम्मानित करके हमारा सम्मान बढ़ाएं। सर हमारे बीच में सलमा आगाजी पधार चुकी हैं। मैडम हम सभी आपका स्वागत करते हैं सलमा आगाजी, और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप स्टेज पर आएं। और भारती लवेकर जी, मैडम भारती लवेकर जी, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कृपया आप भी स्टेज पर आएं। ऐसे मौके पर तालियां तो बंद नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे ज्यादा तालियों की आवाज अनु मलिक जी की आ रही है। हमारे बीच में कृष्णा पिंपले जी हैं, हमारे बीच बहुत ही सरल और मधुर स्वभाव के धनी श्री पिंपले जी हैं। मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आए सर। कृष्णा पिंपले जी, आपके बारे में दो बात बताना चाहूंगा कि कृष्णा पिंपले जी आईएसबी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और तंजानिया देश की तरफ से उन्हें साउथ इंडिया का ऑनररी काउंसिल नियुक्त किया गया है। वे हमारे लोगों की मदद करते रहे हैं, इसके लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बीच में सत्यमानंद हैं, सत्यमानंद जी जो हैं बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। इन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अभी कुछ समय पहले ही पदार्पण किया है, लेकिन बहुत ही कम टाइम में इन्होंने बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। इसके लिए इनको आज यहाँ आनंद जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पर आए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में डॉक्टर खालिद शेख जी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर कि आप स्टेज पर आए। साईं अस्पताल फैला था तो इनकी मदद से ही उसको कंट्रोल में लाया गया था, हम आपका सम्मान करते हैं सर। हमारे बीच में एक और शख्सियत हैं आराध्या आशुतोष गुप्ता जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप स्टेज पर आएं।
आप एम्बियन फूड प्रोडक्ट्स के चेयरमैन हैं, आराध्य आशुतोष गुप्ता जी। पिछला 1.5 साल हमारे धनी डॉक्टर राजेश दरी जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगा राजेश जी आप स्टेज पर आए और सम्मान ग्रहण करें। कोविड के समय में इन्होंने करीब 30,000 से ज्यादा लोगों को ठीक करने में अपना योगदान दिया और ऐसे समय में डॉक्टर्स का बहुत ही योगदान, मैं तो कहता हूँ कि राजेश दरी जी जैसे तमाम डॉक्टर्स के लिए हम सबको तालियां बजानी चाहिए। और थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। और अब हमारे बीच में मौजूद बहुत ही खास शख्सियत, उनके लिए बहुत सम्मान है। मैं चाहूंगा कि सलमा आगा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, वो दो शब्द कहें और हम सबको अनुग्रहित करें। सलमा आगा जी, गुड इवनिंग, नमस्कार सबको। As far as it concerns me, गाना आसान है, बोलना बहुत मुश्किल। I envy people who speak on stage. I can't do much. बहुत बहुत चांद जिसने ये सारा कुछ अरेंज किया, is a very very hard working good girl who I really admire for her work and her struggle in life. She's a wonderful person and I wish her all the best for her future. Thank you so much. I'm a woman activist and anything a woman does is greater than anything in the world. Thank you madam, आपके दो शब्द भी हमारे लिए बहुत अनमोल थे। आप सभी जानते हैं सलमा आगा जी को, मैडम तो नहीं बोलती हैं ज्यादा लेकिन उनका काम बहुत बोलता है, तो मैं चाहूंगा कि मुझे मौका मिला है तो मैं ही दो लाइनें उनके बारे में। ये क्या मजाक है भाई, हाँ मतलब ठीक से कर लो, मजाक करना है तो। सलमा आगा जी की चार पीढ़ी आप सभी जानते हैं, इनके योगदान के लिए ही हमें आज सम्मानित करने का मौका मिला है। प्रसिद्ध अभिनेत्री गायिका सलमा आगा जी, इनकी नानी थी अनवारी बेगम, अपने जमाने की सुपरस्टार अभिनेत्री थी। उनकी पहली फिल्म हीर रांझा 1932 में आई थी, आप सभी वाकिफ हैं। उसके बाद सलमा जी की दूसरी जनरेशन में उनकी माँ नशरीन थी, वो भी बहुत ही अपने जमाने की बहुत बड़ी सुपरस्टार थी। उनकी पहली फिल्म थी साहे जहां जो 1946 में आई थी, और उसके बाद की जनरेशन थी सलमा जी स्वयं जो हमारे बीच में है, ये तीसरी जनरेशन थी। और उसके बाद इनकी प्रसिद्धि के बाद उनकी बेटी जो चौथी जनरेशन में, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, न जाने कितने ही लोगों ने गाया है अपने इस समय में। और यहाँ पे मैं जितना देख पा रहा हूँ, जिस जिसकी जितनी उम्र है, दिल के अरमां बहुतों के आंसुओं में बहे हैं और बहुतों को, बहुतों ने उस समय सलमा जी को याद किया है और बहुतों ने उस गाने को सुना है। तो ऐसी शख्सियत सलमा जी, इसके होगा दीपशिखा नागपाल जी हमारे बीच मौजूद है, मैं उनका स्वागत करता हूँ और चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए और ये सम्मान ग्रहण करें। दीपशिखा नागपाल जी, आपने सैकड़ों फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, आपसे अनुरोध करता हूं कि प्लीज दीपशिखा जी आप स्टेज पर आए और ये सम्मान ग्रहण करें। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन दीपशिखा जी के लिए।
थैंक यू दीपशिखा जी, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, हमारे जितने भी स्टेज पर गणमान्य जन हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच में फिल्म अभिनेत्री निहारिका रायजादा मौजूद हैं, मैं उनसे मैडम ट्रैफिक में अटक गए हैं, हमें जानकारी मिली थी, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपका समय मैंने बर्बाद किया, आप चाहें तो उसकी सजा मुझे दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में एकता जैन जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मौजूद हैं, और मैं उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। एकता जैन जी ग्लैमर की दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल करने वाली अभिनेत्री मॉडल एकता जैन हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे। एकता जैन जी, इन्हें सोशल मीडिया की क्वीन भी कहा जाता है, इनकी एक पोस्ट पर लाखों लाख कमेंट्स और लाइक्स आते हैं। हमारे मीडिया के बंधु यहाँ पर मौजूद होंगे, वो सभी अच्छे तरीके से उनको जानते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने कभी ना कभी उनके वीडियोस को यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। क्या है ना कि गेस्ट लिस्ट जो है ना धीरे धीरे अपडेट हो रही है, तो आप ये मत कहिएगा कि मैं आपका समय पास हमें दे दें तो हम धन्य हो जाएंगे। सर मैं इंतजाम करवा दूंगा, एक अलग से माइक दीजिए सर को, ये निकल जाएगा ना। नमस्कार दोस्तों, आज एक मेरे लिए स्पेशली बहुत खुशी का पल है ये। मैं इस मंच पर जिनके साथ खड़ा हूँ, भारती जी नमन आपको, शर्मा जी आपने तो बहुत कमाल कमाल काम किया, और क्या बात है आज रूबरू आपको देख रहा हूँ बहुत सालों बाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड हमारी मुख्य अतिथि किरीट भाई सोलंकी साहब, उनके लिए ताली बजनी चाहिए। इनके हमारे रोज गैराज मैनेजर मुझे कहा कि आज अनु जी आपको ऑनर करा जाएगा, तो मैं बोला किरीट भाई से भाई मुझे बताइए भाई, ये मेरी खुशनसीबी है, लेकिन कोई ऐसी बात बता दीजिए कि जो मैंने कमाल कर दिया। बोला आपने जो गाने बनाए हैं खास करके देशभक्ति गाने, उन्हें बहुत पसंद है, संदेश आते हैं बहुत पसंद रहे हैं, कहे कि आपके बारे में मैं इतना सुन रहा हूँ लेकिन आपने कभी बताया नहीं कि आपने ऐसे ऐसे देशभक्ति गाने बनाया। मैं मेरे आंखों में आंसू आ गए कि किसी ने मुझे बोला मैं गाना बना के जाके बोलूं कि मैंने बनाया, तो बड़ा अजीब लगता है। अभी भारती जी से मैं कह रहा था मैंने 403 फिल्में की हैं, तो बोलते बहुत हो गया उन्होंने कहा, मैं बोला नहीं मैं तो और करना चाहता हूं, मैं तो और काम करना चाहता हूं, लेकिन किरीट भाई ने वो गाने याद किए, वो सब गाने उनको याद है, मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, या संदेश आते हैं, या सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही। जब मैं उनकर बैठा और उनको जब सब गाने आए याद, तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया। बोला हाँ ये एक इंसान है, शख्स है जो मेरे गाने भी जानता है, मुझे प्यार भी करता है, तो मैं आपको बहुत दिल से नमन करना चाहता हूँ किरीट भाई, आप बड़ा समाज की सेवा करते हैं, और ये सेवा नजर आती है कि आपको कहते हैं कितना काम करते हैं आप, और आपको मेरा काम याद रहा ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो पुरस्कार दिया जा रहा है भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मैं जब ये 1996 में बॉर्डर आई थी तो मैं समझता था कि मुझे इनके हाथों अवार्ड मिलना चाहिए, वो भाग्य होता है कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो आज वो घूम के समय आया। मैं किरीट भाई फिर आपका आभारी हूँ कि इनके नाम का अवार्ड मुझे मिल रहा है, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। मैं बड़ा देश का दीवाना था, दीवाना हूँ, और मरते तक दीवाना रहूंगा। गाने जब ऐसे बनते हैं जब आपका दिल साफ होता है और अपने देश के प्रति आप प्यार करते हैं। मुखड़ा सुनाऊंगा आपको अगर, क्योंकि यहाँ बातें तो होती रहेंगी, लेकिन जब संदेश आते हैं तो उनको बहुत पसंद है किरीट भाई को, और मैं चाहता हूं हमारी जनता भी जो सब देशभक्त हैं वो मेरे साथ गुनगुनाए इस गाने को। ओ ओ ओ
भी तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, वहां रहती है मेरी बूढ़ी माँ, उसके पैरों को छू के प्रणाम दे। मैं वापस आऊंगा फिर उसी गांव में, पेड़ की छाओं में, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो शब्द ही, मैं गाना भी गा गया, बोल भी गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत पावन जगह पर ये पुरस्कार मुझे मिल रहा है। हम इस वक्त हरे राम हरे कृष्ण मंदिर में हैं, उसके ऑडिटोरियम में। मैं कृष्ण जी का बड़ा भक्त हूँ और मैं समझता हूँ ये मेरा नसीब है, उनका बुलावा है, तो मैं यहाँ के खड़ा हूँ। थैंक यू सर। रियली लकी कि आपने दो लाइनें गुनगुनाई और आपकी आवाज जिसने जमाने जमाने से इस दुनिया को मोहा है, दुनिया इसको सुनती आई है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में, हाँ हमारे बीच में जो अनु जी आए हैं तो उनको सम्मानित करना हमारा फर्ज बनता है। वो अपना कीमती समय लेके आए हैं, मैं चाहूंगा कि उनको अवार्ड से सम्मानित भी किया जाए। अनु जी, जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा कि ट्रॉफी हमारे यहाँ से कोई आके सर से ले ले, ताकि सर को तकलीफ ना हो और उनकी ट्रॉफी सुरक्षित बाद में उनके पास पहुंचा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में कॉमेडी की दुनिया के बादशाह, कॉमेडी के शहंशाह श्री सुनील पाल जी बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि सुनील पाल जी स्टेज पर आए और उनको सम्मानित करने का हमें अवसर मिला है। सुनील पाल जी सुनील पाल जी का इंतजार हम कब से कर रहे थे। मैंने बहुत बार बुलाया सर को, सर नहीं आए, पर हम खुशकिस्मत हैं कि फाइनली सुनील जी आ गए हैं। तो ये तो ठीक नहीं ना कि सुनील जी स्टेज पर आए और हम उनको सिर्फ ट्रॉफी दे के ही भेज दें। आप लोगों को अच्छा लगेगा कि सुनील जी सिर्फ ट्रॉफी लेके नीचे चले जाएंगे? पहले जिस सम्मान के लिए उनको बुलाया गया है, जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन कीजिए और स्वागत कीजिए सुनील पाल जी का। सर की मदद कीजिए ट्रॉफी उठाने में और ट्रॉफी, सर थैंक यू। मैं चाहूंगा सर की, हाँ सर, हेलो। क्या ये वक्त परफॉर्मेंस का नहीं, अवार्ड का है, लेकिन फिर भी दो मिनट बोलूंगा क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महान हस्तियों के हाथों से मुझे अवार्ड मिला। जोरदार पहले अनु जी के लिए, शर्मा जी के लिए, दीदी के लिए और हमारे सर के लिए, बहुत ही खूबसूरत हैंडसम लग रहे हैं। हालांकि सलमा जी ने मुझे कई बार आगाह किया है, लेकिन सलमा आगाह की बात मानता कौन है। मैंने कहा रवि जी ये बताइए, रवि संगीतकार हमारे, जिनका जिनके कई सारे गीत गाए गए, रवि जी के लिए जोरदार तालियां प्लीज।